सो गाइस पार्सल आ गया है, नीरज लेकर आ गया। लाओ भाई। गाइस ये रहा पार्सल, तो अनबॉक्स करो इसको। सो गाइस यही है वो नहर, देखिए यहाँ पे कुछ भैंसिया सब आई हैं सब नहाने के लिए। वाह क्या सीन है। सो गाइस आई होप कि आपको ये व्यू अच्छा लगा होगा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या बोला तूने? सॉरी गाइस व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और ये जो व्लॉग है मैं काफी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस अभी मैं अपने बागीचे में हूँ, यहाँ लीची के पेड़ के पास मैं, और यहाँ पे नीरज भी है। और गाइस इतना तेज धूप हो रहा है और इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है, पता नहीं ये सूरज अच्छे क्यों नहीं ब्राइटनेस कम कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी हम लोग यहाँ पे चारपाई लेकर आए हैं और खटिया बोलते हैं इसको। अच्छा हमको सिखा रहा है। और इसके ऊपर एक चादर बिछा के हम लोग यहीं पे रेस्ट कर रहे थे। तो नीरज हम लोग किस चीज का आज वेट कर रहे हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है? अभी डिलीवरी मैन लेके आएंगे तो पता चल जाएगा। सो गाइज हम लोग कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, पार्सल है, तो आज आने वाला है। उनका फोन आया था विश मास्टर का, तो बोल रहे हैं कि आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा लेके। सो गाइज देखते हैं पार्सल कब तक आता है और यहाँ पे हम लोग अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे। और गाइज इतना तेज धूप हो रहा है तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, हम लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लॉग लेट आ रहा है। लेकिन आज देखते हैं कहीं हम लोग चलते हैं तो आपको दिखाएंगे, आप ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहें। सो गाइज पार्सल आ गया है, नीरज लेकर आ गया। लाओ भाई। तो गाइज ये रहा पार्सल, तो अनबॉक्स करो इसको। ब्लेड यहाँ पे लो, ब्लेड जल्दी जल्दी खोलो। अरे काट दो, ब्लेड है तो खोलते हैं। तो बुक है। किस चीज का है ये? फिजिक्स का है। अच्छा। सो गाइस ये रहा वो प्रोडक्ट, तो नीरज अपने लिए मंगाया है, क्लास 9th का है, अमेजोन से किए थे। अमेजोन बढ़िया है। सो गाइस ये रहा वो प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, नीरज ऑर्डर किया था, तो क्लास 9th का बुक है ये फिजिक्स का, तो नीरज पढ़ने के लिए ऑर्डर किया था। तो गाइज व्लॉग में बन रहे हैं और अभी चलते हैं कहीं और तो आपको दिखाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और मैं हूँ, मेरे साथ है नीरज और गाड़ी लेकर हम लोग आ गए हैं। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव के बगल में, मतलब गांव के पास ही एक नहर है छोटा सा, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा आया है तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। और गाइज जो बीच का रास्ता है ना, काफ़ी मज़ेदार रास्ता है, दोनों बगल पेड़ बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस सफ़र को पूरा करते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये व्लॉग होने वाला है, तो आप लोग व्लॉग के साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज जिस व्यू और जिस लोकेशन के बारे में मैं बोल रहा था वहां पे हम लोग पहुंच गए हैं। और गाइज कसम से बता रहा हूँ इतना लाजवाब नजारा है। और गाइज सूरज सच्चू वहां पे है, देखिए हो रहा है। और गाइज जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ वो मैं फर्स्ट ब्लॉग में भी दिखाया हूँ आपको, सबसे लास्ट में उसको मैं ऐड किया था फर्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपने फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है मेरा वाला, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे सबसे लास्ट वीडियोस में जाइएगा ओल्डेस्ट में, तो वहाँ पे आपको माय फर्स्ट ब्लॉग मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। तो आइए गाइज मैं पहले आपको वो व्यू दिखाता हूँ, चेक करिए गाइज ये रहा वो व्यू। ओह माय गॉड गाइज कितना प्रेशर से नीचे गिर रहा है वो, और देखिए ये हमारे गांव के बगल का नहर। गाइज उधर इतना ज़्यादा पानी है और गाइज ये पानी पता नहीं किधर से नीचे जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, मुझे डर लग रहा है अब यहाँ पे। मैं यहाँ का थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आई होप कि आपको ये व्यू अच्छा लगा होगा और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा है। अभी गाइज हम लोग चल रहे हैं दूसरे लोकेशन पे और वहाँ का भी व्यू काफी अच्छा है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। चलो भाई। होले से धीमे से
मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद आके राते हैं, और तू ही मेरे दिल की रज़ा है, तेरे बिना दिल विकपाल। So guys, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम लोग काफी जगह पे गए थे, काफी मजा आया और काफी जगह पे घूमे और आपने भी देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय। की खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार हूं। सुन जरा मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहां दिल के दर्द।